हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको टाइटल पढ़ के समझ आ ही गया होगा कि ये व्लॉग क्या लेके है। सो हाल ही में मैं वैलेंसिया गई थी फ्रैंकफर्ट से, एंड इट्स अ वेरी फन ट्रिप। इट वाज बेसिकली इंटरनेशनल ट्रिप जो मेरी यूनिवर्सिटी ने अटेंड किया है। सो इंटरनेशनल ट्रिप में क्या होता है कि हम लोग स्पेन में गए थे, वैलेंसिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया में हमने एक कोर्स अटेंड किया है। एंड ये जो होटल आप देख रहे हो, ये मेरे यूनिवर्सिटी ने पूरा बुकिंग किया है, उन लोगों ने सब कुछ बिल्स पे किया हुआ है। एंड रूम काफ़ी ज़्यादा कूल है, जैसे कि आप देख सकते हो, इट्स रियली गुड। एंड यस, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रिप में, क्योंकि मैंने हम लोग मतलब मैं और मेरा पूरा बैच, हम लोग 5 दिन के लिए थे। तो चलिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ मेरे होटल रूम से। ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग तो है नहीं, क्योंकि ये न्यू जो वैलेंसिया का दो पार्ट होता है, तो ये ओल्ड सिटी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ न्यू सिटी। एंड यस, ये हमारा वॉशरूम है जहाँ पे जकूजी है। सो यस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल उन लोगों ने बुक किया है, विच इज़ नाइस। बट एक बात बता दूँ कि स्पेन के होटल में पानी फ्री नहीं होता है। बैक माई चैनल, दिस इज़ माई डे वन एट वैलेंसिया। सो यहाँ पे मैं इंटरनेशनल वीक में आई हूँ, लाइक हियर आई एम गोइंग टू अटेंड क्लासेस एट यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया। एंड ये सब कुछ अरेंज मेरे यूनिवर्सिटी ने किया है, दैट इज़ सालेंट यूनिवर्सिटी। एंड या टुडे इज़ माई डे वन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, आई एम रियली रियली एग्जॉस्टेड, क्योंकि आई विल जस्ट ग्रैब माई पिज़्ज़ा। होटल में जाना है वापस, आई वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग शावर एंड देन आई वॉन्ट टू हैव माई लंच। बाय द मीन टाइम, ये डे वन है और मैं आज ज़्यादा कुछ करना भी नहीं हूँ। डोमिनोज कैसा है यहाँ का? डोमिनोज अच्छा ही होगा इंडिया। और मैं तो आ गई यार, यहाँ पे उन लोगों ने ऐसा पेप्सी दिया हुआ है, ये मेरा डोमिनोज पिज़्ज़ा। चलो, आई विल हैव माय पिज़्ज़ा। पानी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, जस्ट आई पेड 3 यूरो फॉर 1 लीटर वाटर। ओह माय गॉड, लाइक 3 यूरो, व्हाई? सो गाइज, बढ़िया से लंच करने के बाद मैं तो आराम से 2 घंटे के लिए सो गई थी। आफ्टर दन दैट आई वॉज़ फीलिंग रियली फ्रेश, तो मैं एकदम जल्दी से रेडी हुई एंड अपने बैचमेट्स के साथ मिली, हालांकि वो लोग सी बीच में गए हुए थे। सो ये हम लोग इस रेस्टोरेंट में गए, इट इज़ अ टिपिकल स्पेनिश रेस्टोरेंट, और हम लोग को ट्राई करना था पायला। पायला वैलेंसिया का एक ट्रेडिशनल डिश है, एंड बीइंग अ बंगाली आई एम फूडी ऑफकोर्स। एंड ये जैसे कि आप देख सकते हो सैंग्रिया, तो स्पेन के लोगों को गर्मियों के मौसम में सैंग्रिया पीना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी है, तो हमने भी जम के सैंग्रिया पिया एंड बड़ा मज़ा आया। एंड दिस इज़ हाउ पायला डिश लुक्स लाइक। हम लोगों ने सी फूड के साथ लिया, क्योंकि मुझे प्रॉन्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक राइस डिश है एंड ऑनेस्टली मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला राइस खाने के बाद। फिर आई वॉज रियली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, तो मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक किया एंड बैक टू होटल एंड आई स्लेप्ट। सो ये सेकेंड डे है जहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ब्रेकफास्ट किया। सो ये मैंने ब्रेकफास्ट में खाया, एंड व्हाइल डूइंग ब्रेकफास्ट आई वॉज डूइंग माई केस स्टडीज़, क्योंकि वो हमें लेक्चर से पहले सबमिट करना था। तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों नहीं थोड़ा सा हम लोग वॉक करके जाएं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कैब और पब्लिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो दैट एक सिटी का ओवरव्यू भी मिल जाए। तो काफ़ी मज़ा आया, हालांकि 30 से 40 मिनट मुझे वॉक करना पड़ा यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बट इट वॉज फन। एंड वैलेंसिया में ये स्ट्रीट आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड ये देख सकते हो, दिस इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया, ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है एंड काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है। बट ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, जो कैंपस देख रहे हो, इट्स स्पेशली फॉर इकोनॉमिक सेक्शन, लाइक इकोनॉमिक, लॉ एंड एवरीथिंग। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वैलेंसिया का जो साइंस सेक्शन है, वो सिटी से काफ़ी दूर है, पर वहाँ पे भी हम लोग गए थे, आई थिंक डे 3 या डे 4 में, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा सा ग्लिम्स और या फिर पिक्चर्स हैं मेरे पास, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगी। सो दिस इज़ हाउ द यूनिवर्सिटी लुक्स लाइक, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है गाइस। एंड ये जस्ट इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, जहाँ पे MBA के स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास करते हैं,
और दोस्त PhD स्टूडेंट्स जो लोग MBA लेके कोई फाइनेंस या मार्केटिंग ये सब सब्जेक्ट्स लेके PhD कर रहे हैं वो लोग हैं, फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। और स्पेनिश प्रोफेसर्स तो उनकी अलग ही बात है, उन लोग बहुत ज़्यादा लाइवली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, दे आर अमेजिंग। एंड ये टिपिकल स्कूटर था। इन द इवनिंग हम लोग टैको बेल में गए क्योंकि मुझे सीरियसली क्लोज टू सम इंडियन फूड कुछ खाना था, कुछ स्पाइसी खाना खाना था, तो मैंने ये वाला खाया, बुरीटो विथ नैचोस कोक एंड वन डेजर्ट। ऑल्सो गाइज आई एम रियली सॉरी क्योंकि इस ब्लॉग में मैंने खुद को ज़्यादा फिल्म नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिटी को फिल्म कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे जा रहा था। सुबह के 7 बजे समटाइम्स 6:30 बजे उठते थे हम लोग एंड रात के 12-1 बजे लौटते थे होटल में, लाइक हम लोग एक्सप्लोर करते थे वैलेंसिया, सो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग होता था। सो यस स्टे ट्यून फॉर द सेकेंड पार्ट, बाय।